उम्या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का वीडियो जो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया है, इसमें विषय है मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है। सूर्य तो हर महीने परिवर्तित होते हैं और 30-30 दिन के लिए परिवर्तन का योग बनता है, तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो मिथुन राशि में होने वाला है वो आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मिथुन राशि जो आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों छठे भाव में पड़ती है, और सूर्य मालिक कहाँ के हैं आपकी राशि के अनुसार से, सूर्य विशेष तौर पर आपके लिए अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है, बंधन का भाव माना जाता है, कई प्रकार के बंधन उत्पन्न करने के योग बनाता है। और कहाँ जी चले गए हैं, विशेष तौर पर पदार्पण कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में जब सूर्य जब आते हैं तो विशेष तौर पर देखिए ग्रहों ज्योतिष के अनुसार से, वैसे तो मिथुन राशि जो है वो विशेष तौर पर बुध की राशि है, और बुध विशेष तौर पर सूर्य के साथ बड़ा सुंदर योग बनता है, बुध आदित्य योग। और ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ बुध का योग जो विशेष तौर पर इस बार जो बनने के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि बुध आगे चले गए हैं, और बुध का विशेष तौर पर जो सूर्य का संबंध है वो कहीं ना कहीं आपके मन में भय उत्पन्न कर सकता है। कई कार्यों में आपके मन में थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती दिखाई दे रही है, सूर्य के कारण से थोड़ी एंजाइटी बढ़ेगी, और उस एंजाइटी का प्रभाव आपके कई क्षेत्रों में पड़ सकता है, और उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। जिन लोगों ने ठीक कर लिया उनके लिए सफलतादायक समय हो जाएगा, कई कार्य एक साथ करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आपकी सामर्थ्य बहुत बढ़िया है, मकर राशि है, और जो मगरमच्छ होता है विशेष तौर पर जल का राजा, आपको एक बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अपने क्षेत्र में जहां आपकी मास्टरी है उस क्षेत्र में आप कार्य करने का प्रयास करेंगे ना, तो कई कार्य एक साथ कर सकते हैं। और इस समय ग्रहों का योग आयोग बन रहा है कि कई कार्य आपको एक साथ करने की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने पेरिफेरल में काम करने की आवश्यकता है। अपनी पेरिफेरल से बाहर जाकर यदि काम करेंगे तो वहां पर आपके मन में एंजाइटी और भय आपको परेशान करने के योग बना सकता है। देखिए, ग्रह आपके लिए समय, मान लीजिए साढ़े साथी आपके अंतिम समय में चल रही है, तो कहीं ना कहीं समय आपके लिए थोड़ा सा साढ़े साथी का प्रभाव है, लेकिन फिर भी मान लीजिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है, और आपको मन से भय को दूर करने की जरूरत है। भय को दूर करने का रास्ता मैं आपको बताने वाले, बहुत सुंदर मंत्र आपको बताने वाले हैं, यदि उसको कर लेंगे, उपाय आपको बताने वाले, बहुत सुंदर तरीके से यदि आप उस उपाय को कर लें, तो मेरा अंदाजा है, हमारा बिल्कुल ज्ञान और विशेष तौर पर इस बात को बता रहा है कि आप अपने इस समय को बहुत पॉजिटिव चेंजेस के साथ अच्छे बना लेंगे। थोड़ी शारीरिक तौर पर कमजोरी आपको परेशान कर सकती है, ग्रह योग के अनुसार से जनरल मस्कुलर वीकनेस जो होती है वो आपको परेशान कर सकती है, टांगों में दर्द की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेने का प्रयास कीजिएगा, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ी शारीरिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, मौसम गर्म रहता है आमतौर पर, ऐसे में तो क्या होता है कि थोड़े सा एग्जरेट करने से कई बार शारीरिक तौर पर थोड़ी कमजोरी दिखाई देती है, तो कोशिश ये करें थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का आप यदि प्रयास कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। ये समय आपके लिए खास तौर पर कुछ रिश्तेदारों के लिए समय भारी होता दिखाई दे रहा है, तो कोशिश ये करें कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। आपके पार्टनर्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, नाना इत्यादि के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि छठा भाव मामा का और नाना का भी माना जाता है, और उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा उनके नियमित भी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा। ग्रहों के योगायोग के अनुसार से जो लोग छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन क्षेत्र में कार्य करने में थोड़ी सी समस्या कमी आने के योग बनते हैं, उसके उपाय हैं वो हम आप बताएंगे, वो अवश्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और व्यापार इत्यादि में विशेष तौर पर हमें दिखाई देता है कई सारे कार्य, कई क्षेत्रों में कार्य आपको करने के योग बनेंगे, और यदि आप अपने पेरिफेरल में काम करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि को एकाग्र करके काम करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप लाभ लेने के योग बना सकते हैं। शत्रु अननेसेसरी आपको परेशान करने के योग बनाने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपके चाहे ऑफिस में हैं चाहे आपके विशेष तौर पर आसपास हैं, वो आपके कार्यक्षेत्रों में कई प्रकार से आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको हम एक महामंत्र भी देंगे, उपाय भी देंगे, और यदि उस उपाय को आपने करा तो आप समझ लीजिएगा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं, अन्यथा शत्रु ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करने वाले हैं इस खास 30 दिनों में कि आपके मन में ना चाहते हुए भी भय उत्पन्न होने के योग बनेंगे।
तो भय को दूर करना आपके लिए सबसे पहले आवश्यक है। देखिए भय होता है ना, कार्य चाहे कोई अशुभ कर पाए ना कर पाए, आपको परेशान करना कर पाए, लेकिन यदि एनवायरमेंट उसने बना दिया तो भय ही मार देता है व्यक्ति को। भय ही आपकी एंजाइटी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, शुगर लेवल को ऊपर नीचे करने के रास्ते बना देता है। तो सबसे पहले भय को दूर करने का प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक प्रयोग आया है जिसमें कहा गया दुर्गा जी की 32 नामावली, दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तो धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, ये दुर्गा जी की नामावली है। ये 32 नाम है दुर्गा सप्तशती के अंदर, गोरखपुर गीता प्रेस की पुस्तक के अंदर आपको मिल जाएगी, जिनको 32 नाम कहा जाता है दुर्गा जी के। और अंत में कहा गया है जो नामावली माम यस्तु, एक विशेष तौर पर कहा गया पठेत सर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशया। इसको पढ़ लेने मात्र से मन के तमाम भय शंकाएं दूर होने के योग बन जाते हैं और माँ भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। तो कोशिश ये करें नित्य प्रति केवल एक बार सुबह प्रातःकाल, यदि आप इस उपाय को कर लें, साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, सूर्योदय के समय पर भगवान सूर्य का दर्शन और थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ा जल में दूध डालकर फिर भगवान सूर्य को उसको अर्घ दें। और एक काम और करें, थोड़ी सी ब्रेड इत्यादि लेकर सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर श्वान कुत्ते को डाल दिया करें। ये महामंत्र दे रहे हैं, महा उपाय हम आपको दे रहे हैं। यदि ये कर लिया तो ये पॉजिटिव चेंजेस कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और नित्य प्रति इस उपाय को करके बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ लेने के योग बना सकते हैं। समय आपका अच्छा है लेकिन मन में जबरदस्ती की एंजाइटी बढ़ रही है, अननेसेसरी का फोबिया आपको परेशान कर सकता है, मन में कोई बातें विचार जो है आप पर हावी हो सकती है, तो उनको आपको दूर करने की जरूरत है। सेवा कार्य करने का प्रयास कीजिए, सेवा से आपको मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, राज संबंधित जो कार्य हैं, सरकारी लोग जो है वो आपको थोड़े परेशान करने के योग बना सकते हैं। उपाय हमने आपको बताया है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। जब मिथुन की संक्रांति हो, मिथुन संक्रांति हो, तो कहा जाता है कि मिथुन के सूर्य के समय में वस्त्र का दान, विशेष तौर पर अन्न का दान, दूध का दान, दही का दान बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। तो कोशिश करें इस 30 दिनों के दौरान में कभी कभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से किसी वस्त्र का दान कर दिया कीजिए और बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। और साथ साथ दूध का दही का भी दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और जो उपाय हमने बताए हैं यदि ये कर लेंगे तो मेरा दावा है खासतौर पर देखिएगा आपका बाल भी बांका नहीं होगा और कष्ट से निवृत्ति करके आपके जीवन में सफलता का योग अद्भुत रूप से बनेगा। देखिए ज्योतिष में प्रैक्टिकल रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए कि ग्रह क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, आपकी राशि कौन सी है, सूर्य का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव कहाँ किस प्रकार से होने वाला है और आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस लाने के योग बनाने वाले हैं ग्रह। देखिए ऐसे में जो लोग बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लोन को सैंक्शन होने के योग भी बन सकते हैं, खासतौर पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और खासतौर पर आपका बहुत सारी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी तरफ, पाक शास्त्र की तरफ, साहित्य की तरफ आपका मन जा सकता है, विचार जा सकता है, बहुत कुछ नया बनाने का आपके मन में विचार आ सकता है। तो कोशिश ये करें अच्छा सा बनाएं और खिलाएं, पाक शास्त्र में भी आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है खासतौर पर, लेकिन मन में जो एंजाइटी है उसको आपको ओवरकम करने का रास्ता हमने आपको बताया है, अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिएगा, थोड़ा सा दूध डालकर गायत्री का पाठ करते हुए, मनी मानसिक तौर पर पाठ करते हुए, ओम का पाठ करते हुए या ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए नित्य प्रति भगवान सूर्य को अवश्य जल दें और दूध का ही तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लें। देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे, ग्रह पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जा रहा है। आशा करते हैं इन उपायों को कर आप लाभ उठा सकते हैं, परिवर्तन का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।